प्यारे बच्चों, जेई एडवांस 2023 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज में एक क्वेश्चन है लिमिट्स का, जेई एडवांस 2012 का। लेट अल्फा ए एंड बीटा ए आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस ए माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए माइनस 1 एक्स प्लस सिक्स्थ रूट ऑफ 1 प्लस ए माइनस 1 इक्वल टू 0, ए ग्रेटर देन माइनस 1। ठीक है, तो लिमिट ए टेंडिंग टू 0 प्लस अल्फा ए, लिमिट ए टेंडिंग टू 0 प्लस बीटा ए का वैल्यू बताना है। यानी ऐसा समझो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो आपके पास में इस तरह का तीन फैक्टर है बच्चों, 1 प्लस ए, एक है आपके पास में 1 प्लस ए, और है 6√1 प्लस ए। तो यहां पर मैं 1/3 पावर है, यहां पर मैं 1/6 है। इन तीनों का अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 1/6। तो मैं अगर ऐसा लिख दू, लेट 1 प्लस ए टू दी पावर 1/6 इक्वल टू, मैंने इसको मान लिया टी, मान लिया, ठीक है ना। जब इसको टी मान लेंगे हम लोग, इसको टी मान लिया, तो यहां पर मैं हमारे पास में जो हम हमारे पास ये वाला फैक्टर हो जाएगा 1 प्लस ए टू दी पावर 1/2, ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये आपके पास में टी क्यूब के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से 1 प्लस ए टू दी पावर 1/3, ये कितने के बराबर हो जाएगा, टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर मैं जब आपके पास में लिमिट ए टेंडिंग टू 0 प्लस है तो आपके पास में जो टी हो जाएगा ये किसको टेंड कर जाएगा, 1 को, क्योंकि यहां पर मैं 1 प्लस 0 टू दी पावर 1/6 करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको लिमिट टी टेंडिंग टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सिंपली ऐसा लिखो, ये जो इक्वेशन है आप इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं क्यूब रूट है तो इसको लिख देंगे, यहाँ पर मैं क्यूब रूट है इसको लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर लिख देंगे टी क्यूब माइनस 1 एक्स प्लस, यहां पर मैं t माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम लिख सकते हैं यहां पर मैं लिमिट, यानी अल्फा ए और बीटा ए अगर इसका रूट है तो अल्फा ए प्लस बीटा ए सम ऑफ रूट, इसको कितना लिख देंगे, माइनस बी डिवाइड बाई ए, यानी 1 माइनस t³ डिवाइड बाई t² माइनस 1। और यहां पर मैं लिमिट t कितने को टेंड कर जाएगा, 1 को टेंड करेगा। जब ये लिमिट 1 को टेंड करेगा तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस t इंटू 1 माइनस t इंटू 1 प्लस t² प्लस t डिवाइड बाई t माइनस 1 इंटू t प्लस 1। और जब यहां पर लिमिट t टेंडिंग टू 1 करोगे तो ये कैंसिल, माइनस 1 बचेगा, और यहां पर मैं 1 प्लस 1 1 प्लस 1 यानी -3/2, ये आपको सम ऑफ लिमिट हो गया, है ना। इसी तरह से अगर प्रोडक्ट वाला निकालेंगे, यानी यहाँ पर प्रोडक्ट वाला अगर निकालेंगे, अल्फा ए इंटू बीटा ए इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा t-1 डिवाइड बाई t² माइनस 1। और लिमिट टी टेंडिंग टू 1 में ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये टी माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा टी प्लस 1 1/2। इसका मतलब सम का वैल्यू -3/2 और प्रोडक्ट का वैल्यू 1/2। तो अब ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर मैं देखो, यहां पर मैं कौन सा ऑप्शन है, सम सम इक्वल टू है आपके पास में -3/2 और प्रोडक्ट इक्वल टू 1/2। तो यहां पर मैं आप देख पा रहे हो ये वाला जो ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन, जिसमें लिमिट्स आपके पास में -1/2 और -1, इनका सम कितना हो गया, -3/2, और प्रोडक्ट हो गया 1/2 इंटू 1। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका आंसर हो गया बी। तो इस तरह से ये अप्रोच आपको इस क्वेश्चन में लगाना था, है ना। आप एक सब्स्टिट्यूशन, छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करना था, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में आपको अल्फा ए और बीटा ए का लिमिट निकालना था। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए बच्चों, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।